साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दलित होने के कारण मेरे साथ भेदभाव होता है, अधिकारी मेरी बात सुनते नहीं हैं, प्रमुख सचिव को फ़ोन करो तो फ़ोन पटक देते हैं, कहते हैं कैबिनेट मंत्री से बात करो। अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत करता हूं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारीगण दलितों का अपमान कर रहे हैं और ये सब आरोप कोई सड़क छाप दलित नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी को लिखे गए पत्र में वो अंतिम लाइन लिखकर कहते हैं, जब विभाग में दलित राज्य मंत्री का अस्तित्व ही नहीं है तो इस पद पर रह करके मैं करूंगा क्या, और ये कहते हुए इस्तीफा थमा देते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरा होने पर अलग अलग विभागों के मंत्री अपनी शान में कसीदे गढ़ते हुए लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऐसे समय में एक दलित राज्य मंत्री का यह इस्तीफा उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दिनेश खटीक मेरठ की हस्तनापुर सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और मौजूदा समय में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री थे, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं जिस तरीके से इस तस्वीर में स्वतंत्र देव सिंह अपने बगल में दिनेश खटीक को बैठाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने मंत्रालय के 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में कसीदे गढ़ रहे हैं। बगल में बैठाले जरूर हैं वो दिनेश खटीक को, लेकिन अपेक्षाकृत वो सम्मान, वो स्पेस, वो कद अपने मंत्रालय में उनको वैसे ही नहीं दे पाए जिस तरीके से उनके बॉस यानी कि योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ कभी स्वतंत्र देव सिंह को, कभी दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को बैठाले जरूर रहते हैं, मगर वो हैसियत, वो ताकत नहीं दे पाए। उसी तरीके से स्वतंत्र देव सिंह भी अपने मंत्रालय में कार्य का बंटवारा ठीक से नहीं कर पाए। ये मेरा आरोप नहीं है, दिनेश खटीक का ही आरोप है। वो अपनी ही सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए ये भी लिखते हैं कि नमामि गंगे योजना के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। और जब इस ट्रांसफर पोस्टिंग की सूचना लेने के लिए 9 जुलाई को मैंने सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष जो AK सिंह हैं उनको पत्र लिख करके सूचना मांगी तो अभी तक मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। वो ये भी बताते हैं कि विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग से मैंने जब फोन पर बात करना चाही तो उन्होंने फोन पटक दिया और कहा कि कैबिनेट मंत्री मतलब स्वतंत्र देव सिंह से बात कर लो। ये इस्तीफा न सिर्फ योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोरदार तमाचा है बल्कि ये भी साबित करता है कि इस सरकार में जितने भी पिछड़े दलित समाज के मंत्री बनाए गए हैं वो एक मुखौटे से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। 100 दिन पूरा होने के बाद भी एक मंत्री कह रहा है कि उसे कुछ काम ही नहीं दिया गया। इसी जल शक्ति मंत्रालय में एक दूसरे राज्य मंत्री हैं रामकेश निषाद, पिछड़ी जाति से आते हैं। बताया ये जाता है कि उनके पास भी कुछ खास काम नहीं है। ये उस समय हो रहा है जब कैबिनेट मंत्री खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, इसके बावजूद पिछड़े वर्ग का एक राज्य मंत्री, दलित वर्ग का एक राज्य मंत्री इस बात के लिए पीड़ित है कि उनको काम नहीं दिया जा रहा है, अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं। अकेले दिनेश खटीक के मन की ये पीड़ा नहीं है, पीड़ा बहुतों के मन में है, मगर जमीर सबका नहीं जागता है। बहुत सारे पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय होने पर उनको एहसास ही नहीं होता है, एहसास होने वाले भी कम लोग होते हैं, और जिनको एहसास हो भी जाता है तो वो एहसास होने के बाद उसको जाहिर भी कम कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मंत्री जी इस बात से नाराज थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी नहीं चल पाई, ये दूसरा पहलू है। मगर अगर वो अपने ही विभाग के HOD से कह रहे हैं कि आपने किस किस का ट्रांसफर किया है ये सूची हमें उपलब्ध करा दो, 9 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई आते आते वो इस्तीफा सौंपते हैं तब तक वो सूची उपलब्ध नहीं कराई जाती, उनके ही विभाग का प्रमुख सचिव उनको उनसे ठीक से बात नहीं करता, इस बात को भी तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जब वो अपने ही विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग पर आरोप लगा रहे हैं, नमामि गंगे परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप खुल करके लिख रहे हैं, तो क्यों नहीं इन आरोपों की पड़ताल होनी चाहिए और इन पर जांच होनी चाहिए। दिनेश खटीक के अमित शाह को लिखे गए इस्तीफे को जब गौर से आप पढ़ोगे तो शुरुआती लाइनों से
दो बातें स्पष्ट होती हैं। शुरुआत में उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एवं श्री अमित शाह जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी जल शक्ति विभाग का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। इस बात से वो दो बातों पर मोहर लगाते दिखते हैं। विपक्ष बार बार आरोप लगाता था कि इस बार का मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ ने नहीं बल्कि दिल्ली में बैठकर मोदी और अमित शाह ने तय किया है। इस बात को बल मिल रहा है कि क्यों अमित शाह को इस्तीफा भेजा गया होगा। दूसरा, इस बात को भी बल मिलता है कि पिछड़े और दलित समाज के मंत्री महज मुखौटों के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जाति संतुलन साधने के लिए एडजस्ट किए गए थे। उनको सम्मान देने की, ताकत देने की, महत्वपूर्ण भूमिका देने की कोई मंशा नहीं थी, वो इस पत्र से काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस इस्तीफे से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि भारत में जाति जन्म से लेकर मृत्यु तक जाति नहीं है। भले ही वो मंत्री बन गए हों लेकिन अभी भी अधिकारी उनके नाम के बाद के टाइटल से ही उनको सम्मान दे रहे हैं। तमाम सारे पिछड़े और दलित समाज के मंत्रियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो बेहद कुंठा में जी रहे हैं, मगर कहने की सबकी हैसियत नहीं होती है। तमाम राज्य मंत्रियों को मैं जानता हूं जिनके टाइटल ऐसे हैं जो आपको चौंकाते हैं, अच्छा इनको भी मंत्री बना दिया गया, अच्छा इन टाइटल वालों को भी मंत्री बना दिया गया। जरा जाकर के पूछो, उनके पास ना फाइलें आती हैं, ना बैठकों में बुलाया जाता है, ना कोई अधिकारी उनकी पूछ करता है, प्रमुख सचिव तो खैर सुनता ही नहीं है। बहरहाल वजह कुछ भी हो, राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल जरूर आ गया है। विपक्ष को भी मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। मायावती ने भी ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी सरकार में दलित राज्य मंत्री का इतना अपमान। चंद्रशेखर ने भी ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया। विपक्ष के तमाम सारे लोग हमलावर हो करके दो चीजों पर सवाल उठा रहे हैं, एक तो दलित राज्य मंत्री की हैसियत, दूसरा जीरो टॉलरेंस नीति होने की बात करने के बावजूद मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उनके ही मंत्रालय में खुल करके भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि बीजेपी और संघ के पास एक मान मनुअल टीम भी है, पहले तो सहला के मनाया जाता है, ना माने तो दूसरे भी तरीके अख्तियार किए जाते हैं। अब दिनेश खटीक कब तक अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, कब तक ये बताते हैं कि मैंने इस्तीफा दलित पिछड़ों की उपेक्षा के कारण दिया है, ये तो आगे आना वाला वक्त बताएगा। योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी आपको बताऊंगा। देखते रहिए निसल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।